हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंसेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंसेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आम आदमी के लिए भी कंसेंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कंसेंट पूरी समझ में आ जाए। कंसेंट को हिंदी में सहमति बोलते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं। लीगल प्रोसीजर्स के वीडियो पूरे होने के बाद हम AIA PGET और नीट के लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कंसेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कंसेंट इज डिफाइंड एज फ्री एंड वॉलेंटरी एग्रीमेंट कंप्लायंस और परमिशन गिवन फॉर अ स्पेसिफाइड एक्ट और पर्पस। किसी भी स्पेसिफाइड एक्ट के लिए स्वयं कोई एग्रीमेंट कोई देता है या फिर कोई कंप्लायंस देता है या फिर परमिशन देता है, उसको हम कंसेंट बोलते हैं। वो फ्री होता है और वॉलेंटरी होता है। इट इज बेस्ड अपॉन द लैटिन मैक्सिम वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स ही हु कंसेंट्स कैन नॉट कंप्लेन। जो कंसेंट देता है वो कभी भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। दिस इज फाउंड ऑन टू स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर्स। फर्स्टली एवरी पेशेंट इज बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट एंड सेकेंडली नो मैन विल कंसेंट टू व्हाट ही थिंक इज हार्मफुल टू हिम। सभी को अपनी अच्छाई या बुराई पता रहती है कि कौन से कंटेस्ट में कंसेंट देना है या नहीं देना है, और कोई भी पर्सन कंसेंट नहीं देगा अगर वो सोचता है कि वो चीज़ उसके लिए हार्मफुल है। टाइप्स ऑफ कंसेंट। कंसेंट मे बी ऑफ टू टाइप्स मेनली, इम्प्लाइड कंसेंट एंड एक्सप्रेस्ड कंसेंट। एक्सप्रेस्ड कंसेंट के भी दो टाइप है, ओरल और वर्बल एंड रिटन कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट। Implied consent is common type of consent observed in medical practice. ये medical practice में common type of consent है। Here the consent is presumed, means implied, पहले से ही वो स्वीकृति होती है, उसके लिए हमें consent लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम आपको example आगे बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये implied consent क्या है। For example, if a patient enter in clinic, it is presumed that the patient has came for examination and consultation. तो ये अगर patient कोई clinic में enter होता है तो वो पहले से presume होता है कि वो एक consultation के लिए या तो फिर examination के लिए ही clinic में आया है। The consent is not written, but legally it is effective. ये कंसेंट रिटर्न नहीं होती है पर लीगली ये कंसेंट इफेक्टिव होती है। द कंसेंट इज प्रोवाइडेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन सच एज इंस्पेक्शन पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये जो कंसेंट है इम्प्लाइड कंसेंट वो इंस्पेक्शन पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन के लिए प्रोवाइडेड होती है। इट डज नॉट कवर द कंसेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ प्राइवेट पार्ट्स वेन पंक्चर और इंजेक्शन मेजर इंटरवेंशन और ऑपरेशन। अगर ये सब चीज डॉक्टर को अगर करनी होती है तो उसके लिए रिटर्न कंसेंट या फिर ओरल कंसेंट लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस्ड कंसेंट। एनीथिंग अदर देन इम्प्लाइड कंसेंट इज एक्सप्रेस्ड कंसेंट। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जैसे हमने बोला था उसके टू टाइप्स है, oral consent, it is consent which is given verbally. This method is employed for minor procedures. However, such consent should not be obtained in the presence of a disinterested third party, for example nurse or receptionist. ये consent जो होती है वो disinterested third party यानी कि nurse या जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसके सामने और उसकी प्रेजेंस में लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिटन कंसेंट। हियर द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड इन अ रिटन फॉर्मेट। द डॉक्टर शुड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ थेरापेटिक प्रोसीजर और सर्जिकल ऑपरेशन प्रॉपरली टू द पेशेंट।
ये कंसेंट रिटर्न फॉर्मेट में होती है, यानी कि अगर आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे या फिर वहां पे ऑपरेटिव प्रोसीजर होगी तो वहां पे आपको कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा, तो उनको रिटर्न कंसेंट बोलते हैं। आप जब वो फॉर्म को साइन करते हैं तो उनको रिटर्न कंसेंट बोलते हैं। वो किसी भी पर्टिकुलर टाइप की थेरापेटिक प्रोसीजर या तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए ली जाती है। रिटर्न कंसेंट अफोर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब रिटर्न कंसेंट होती है, नीचे पेशेंट की सिग्नेचर होती है, तो वो एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस के तौर पे देखा जाता है। When such consent is obtained after explaining the nature and consequences of treatment procedure being contemplated is called as informed consent. पहले से जो भी थेरापेटिक प्रोसीजर या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करना है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पेशेंट को बताना जरूरी होता है। वो ट्रीटमेंट के नेचर के बारे में उसको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, तो उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं। सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी डिफाइन कंसेंट इन नेगेटिव टर्म्स। सेक्शन 90 जो है इंडियन पिनल कोड का, वो कंसेंट को एक नेगेटिव टर्म्स में डिफाइन करता है। एज पर दिस सेक्शन एनी कंसेंट गिवन अंडर द फॉलोइंग फाइव सर्कमस्टेंसेस विच नॉट बी अ ट्रू कंसेंट। ये जो नीचे हमने जो पांच सर्कमस्टेंसेस दिखाए हैं उसके अंडर में अगर कंसेंट लिया गया हो तो वो सही कंसेंट नहीं है। नंबर वन, बाय अ पर्सन अंडर द फियर ऑफ इंजरी। अगर उसको कोई डर दिया गया है, उसको कोई भय दिया गया है, उसको इंजरी करने का कोई डर दिया गया है, तो वो कंसेंट ट्रू नहीं है। बाय अ पर्सन हु इज अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट। अगर उसको कुछ झूठ बोल के उसके पास से अगर ये कंसेंट ऑब्टेन की गई है तो भी वो कंसेंट वैलिड नहीं है। बाय एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, अगर जो पर्सन है उसने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस लिया हुआ है, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है तो वो कंसेंट भी वैलिड नहीं है। बाय अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, एक ऐसा पर्सन कि जिसका माइंड है वो साउंड नहीं है, उसको पता नहीं है कि डॉक्टर उसके साथ क्या करने वाले हैं, वो अनसाउंड माइंडेड है, तो वो भी वैलिड नहीं है। बाय अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, मीन्स फॉर चिल्ड्रंस एज, तो 12 ईयर्स के नीचे जो लोग हैं उनकी भी कंसेंट ट्रू कंसेंट नहीं मानी जाती है। तो ये पूरा सेक्शन 90 है जो कंसेंट को नेगेटिव टर्म्स में डिफाइन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉलो मी ऑन द लिंक्स विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ये वीडियो के ऊपर, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप वो टॉपिक भी हमको कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको फ्यूचर में ये चैनल के रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगे, और आप ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि बहुत सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।